ओह माय गॉड, ओह शिव जी, कहीं आप ऊपर ही तो नहीं हो? मैं आ रही हूँ आपके पास। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का वीडियो किसी जनरल से कम नहीं है। जहाँ मैं गई थी वहाँ के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये छोटा सा क्लिप है जो मैं दिखा रहा है आपको, कहाँ गई थी, किस तरह से गई थी, क्या क्या व्यूज़ देखे हैं, क्या इस जगह का नाम है, ये सब चीज़ मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। उससे पहले थोड़ी बहुत मस्ती जो की है वो थोड़ा सा शेयर करूँगी, जिस जगह गए थे उसके बारे में शेयर करूँगी, ऐसा क्या हुआ कि हमें इस जगह से जल्दी वापस आना पड़ा। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। अगर एंजॉय करोगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो इस जगह का नाम है बिग फॉर माउंटेन, ओके, एंड ये वॉशिंगटन स्टेट में है, वेरी नियर टू ग्रेनाइट फॉल्स एंड कम्स अंडर बेकर्स माउंटेन। तो ये मेन व्यू है बिग फॉर माउंटेन का, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था और अभी भी। अब हम शुरू से रास्ते से आते हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आग। ये थोड़ा सा हम लोगों ने बीच में रोका था फॉर फ्रेशन अप के लिए एंड थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह बाय करने के लिए। तो इस जगह का नाम था डेरिंगटन और ये डर्ट रोड स्टार्ट हो चुका था। डर्ट रोड की स्टार्टिंग थी, रोड बहुत कंजस्टेड था, मीन्स ऐसा नहीं कि डबल क्रॉस नहीं हो सकता था, बट या थोड़ा बहुत दिक्कत था। ये डेरिंगटन था, उसके पार्क में हम लोग गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। तो ये थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप वो सब एज आई सेड कि हम लोग गए थे बिग फॉर माउंटेन और इसका एलिवेशन था 6160 फीट। ओके, सो ये रोड एक्चुअली बिल्कुल डर्ट रोड था, बहुत कंजस्टेड था। अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो पिकनिक स्पॉट बीच में आया था, तो हमने थोड़ा सा गाड़ी बैक लिया और हम पिकनिक स्पॉट पर ये देखने जाते हैं कि लोग कहाँ कहाँ पर स्टे करते हैं। पिकनिक स्पॉट में नाइट स्टे करते हैं लोग, यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। सी अभी राइट हैंड साइड पे एक था, किसी ने अपनी कैनोपी लगाई थी, ही वॉज अलोन एंड उसकी बाइसाइकिल थी। मैंने उनका वीडियो नहीं लिया है बिकॉज आई डोंट नो कि मैं शूट करूँ तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यार जरा सा आपने उनकी कैनोपी देखी होगी तो ये थोड़ा सा व्यू था। तो पीछे जो आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी, आई गेस पानी की इतनी मस्त लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यार हम लोगों ने साइड में रोका था और मैं वापस अभी अपने कार की तरफ जा रही हूँ। इसके बाद एक और पिकनिक स्पॉट आएगा, तो वापस मैं गाड़ी में बैठ गई थी और जस्ट हाफ किलोमीटर की दूरी पे फिर से एक पिकनिक स्पॉट आया था। वहाँ पर एक्चुअली उस समय कोई नहीं था, बट या मतलब वहाँ पर लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई पहले बैठ कर थोड़ी देर पहले ही या वन आवर टू आवर्स बैक इसने लाइक मतलब पिकनिक बनाई हो। बहुत लाइक स्मेल आ रही थी फॉग की, उसकी फायर की। सी अभी ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे फायर का काफ़ी ऐसा लग रहा था, फ्रेश फ्रेश स्मेल है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। लाइक मतलब सन नहीं था, हल्का रेनी था, मीन्स आप जैसे कई बार होता ना कि आप रेन में भी होते हो बट आपको लाइक आप फिर भी गीले नहीं हो रहे हो। आई होप आप ये पीछे आवाज़ सुन रहे हो पानी की, लाइक मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था इस पानी की आवाज़ से मुझे। अभी हम लोग फिर सीधा जो है बिग फॉर माउंटेन की तरफ जाएंगे, वहाँ का व्यू मैं सब आपसे शेयर करूँगी वहाँ पर हमने लोगों ने क्या क्या देखा। तो या अभी हम बिग फॉर माउंटेन में पहुँच चुके हैं, हम लोगों ने रेस्टरूम यूज़ किया और अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जाऊँगी जहाँ पर ये फोर बोर्ड्स लगे हुए हैं। उन चारों बोर्ड्स पर क्या लिखा है वो मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट नंबर वाला है, इन चारों बोर्ड पर क्या लिखा है आप लोग एक वन बाय वन करके पढ़ सकते हो पॉज करके। ये सेकेंड बोर्ड पर जो लिखा था अगेंस्ट द एलिमेंट्स एंड थर्ड बोर्ड था ऑन गोइंग चेंज एट बिग फोर एंड द फोर्थ बोर्ड पर जो था वो ओ माय गॉड ये क्लियर नहीं आ पाया क्या सुपर से। ये सब पूरा व्यू देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा एक वहाँ पर ट्रेल ट्रैक था उस पर गए थे, बट सडनली ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों को वापस आना पड़ा। अब चलते हैं ट्रेल ट्रैक की तरफ।
वहाँ पर मैं थोड़ी सी चैंटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ, तो वो सभी चीज़ें आप लोगों को सुनाई देगी। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम नॉट अ गुड सिंगर। भगवान जी का नाम लिया है थोड़ा सा, आप लोग भी ले लीजिए थोड़ा सा नाम का मेरे साथ। भगवान जी के नाम से ही लेकर शुरू करती हूँ, इसलिए मैं भगवान जी के गाने गा रही हूँ। वैसे भी शिवरात्रि है ना, और शिवरात्रि में ऐसा मौसम, ओह माय गॉड, शिव जी कहीं आप ऊपर ही तो नहीं हो, मैं आ रही हूँ आपके पास। कहाँ बैठे हो? उधर नहीं, वैसे ये कैलाश तो नहीं है, बट हो ऐसे पर्वतों से तो सिर्फ शिव जी को ही प्यार है। Hi, hi. You want us to get a picture of you guys? No, I'm good. Thank you. ये गलती हो गई। फोग को नहीं आना चाहिए था आज, उन्हें पता होना चाहिए था प्रीति आ रही है। हाय जी, मैं तो यहीं पे घर बना रही हूँ, सुन रहे हो? मेरा घर बना दो यहीं पे, एक बड़ा सा मेंशन, बड़ा सा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे गाइस।